आखिरकार अज ट्रांसपोर्ट मंत्री राजा वड़िंग दे दिल्ली दे सीएम अरविंद केजरीवाल दे नाल मुलाकात हुई। दोवां विचाले काफ़ी दिलचस्प गल्लां जिहड़ियां होईयां इस दौरान जदों मंत्री राजा वड़िंग ने सीएम केजरीवाल नूं शिकायत की। कल उन्हां दे नाल जिस तरीके दा वतीरा उन्हां दी रिहायश दे विच होया उन्हां नूं चंगा नहीं लगा, तां सीएम केजरीवाल ने बड़ा ही दिलचस्प जवाब उन्हां ने दित्ता। उन्होंने कहा कि तुसीं मैनूं दसना सी तां मैं तुहाडे लई अपनी पत्नी तों रोटी बनवाउणी सी। इस दे नाल ही उन्होंने कहा कि तुसीं परिवार समेत साडे घर आओ। उन्हां नूं इनविटेशन जिहड़ा सीएम केजरीवाल दे वल्लों दित्ता गया। इस तों इलावा राजा वड़िंग ने कहा कि तुसी मैनू मिलन नहीं आए, मैनू बहुत बुरा लग्या। तो केजरीवाल ने कहा कि तुसी मैनू कॉल कर लेना सी, तुसी मेरा नंबर ले लेना सी। इस तों इलावा होर की कुछ राजा वड़िंग अते सीएम केजरीवाल सिमर सिमर पूरन प्रभु कारज पए रास, करतारपुर करता वसै संतन कह पास। सिख कौम दियां दहाकियां दियां अरदासां तो बाद करतारपुर साहब दे दर्शन दिदारे संगत नूं नसीब होए ने, जिस नूं होर सुखाला बनाने दे वास्ते पंजाब सरकार ने नवी पहल शुरू कीती है। पंजाब भर दे विचों करतारपुर कोरीडोर आने वाली संगत दी सरकारी बस दे विच कोई टिकट नहीं लगती। इस सहूलत का आनंद मानन दे वास्ते संगत दे कोल सिर्फ रजिस्ट्रेशन दी कोई स्लिप होना लाजमी है, जिसनों दिखा के संगतां सरकारी बसां दे विच मुफ्त यात्रा कर रहियां ने। श्री करतारपुर साहब उस दिन मत्था टेकन गए सी, असी उस दिन ऐलान कीता सी कि इत्थे असी फ्री किराया नहीं लवांगे। जिहड़े लोग इत्थे आणगे जिहदे पास चिट होएगी उत्थे जाण दी कि मैं करतारपुर साहब जाणा है, उहनूं पंजाब दीआं बसां च चाहे किसी बस चढ़ जाओ, कोई नहीं रोकेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। नोटिफिकेशन जारी हो गया। पंजाब सरकार दा मकसद है कि वध तों वध लोग करतारपुर कोरीडोर दे जरिए बाबे नानक दी चरण छोह प्राप्त धरती करतारपुर साहब दे दर्शन करन। पंजाब सरकार लोकां दी सरकार। ਵਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। लेकिन मेरे कुछ मुद्दे मैं अपनी बसों के लिए बात कर रहा हूँ। लेकिन एक भी चिट्ठी का जवाब नहीं है। सो व्हाट इज हैपनिंग, इंडो कैनेडियन एक बस है जो केवल बादल ऑपरेट करती है और व्हाट दे आर चार्जिंग टू एनआरआई पीपल 3000 पर सीट। तो अगर 52 सीट में अगर देखें तो 52 सीट कैलकुलेट करेंगे तो 1.5 लाख रुपया अप टू द एयरपोर्ट। दिल्ली सरकार कर ले 1200 रुपए में हमारी बस यानी कि पंजाब सरकार की बस दिल्ली एयरपोर्ट तक लेके जा सकती है, जहां दिल्ली सरकार की बस भी वहां से चले पंजाब एनी टाइम। आई एम बीइंग ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, मुझे जो भी फॉर्मेलिटी करनी होगी वो कर लेंगे। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है, जो ये बड़े मगरमच्छ हैं जो 87 लाख रुपया अगर 2.5 × 35 करें 87 लाख रुपया इनको साहब एक दिन की कमाई है और वो दैट इज टोटली इलीगल। सो माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि हम जा तो आप चलाइए बस दिल्ली से, जहाँ हम तैयार हैं इसमें आप हमारा सहयोग कीजिए। मैं परिवार को लेकर आप इतना बड़ा न्योता देखो तो 100% आई विल कम टू यू, प्लीज कम, आई विल लव टू कम टू यू। तो दोनों चीजें तो अभी सुबह जब आप आ रहे थे मैंने बात की थी उनसे, जी वो बता रहे हैं जी जब जब हमारी नज़र में ये बादलों की बसें आती है पिछले एक दो महीने में 115 बसें इन्होंने बाउंड करी हैं, मतलब अलग अलग स्टेट से आ रही है। नहीं सर, फॉर योर उन्होंने टोटल 115 बसें इंपाउंड की है, 230 का इन्होंने चालान किया है। बट यू आर वेरी राइट, आप और हम मिलके और हम वहाँ पे बसें चलाते हैं, राइट सर, नो प्रॉब्लम। बट द थिंग इज कि सर उनकी बसें 35 ही आती हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट आई थिंक ऑफिशियल नीचे माइट बी नॉट इन नॉलेज। नहीं, उन्होंने टोटल राजस्थान से भी आ रही हैं कुछ बसें, बल्कि बादल की बसें तो टोटल 35 ही आती हैं। टोटल बसें जो हैं टोटल उन्होंने इंपाउंड जो किए हैं अलग अलग वो 115 बसें इंपाउंड किए हैं। ठीक है सर, लेकिन नीचे सर आपको देखने की जरूरत है। मेरे को लगता है देयर इज अ लिटिल, हम एयरपोर्ट भी चलेंगे ना,
पक्का चलेगा। अब नाउ इट्स योर प्रॉमिस, नाउ यू हैव टू रन द शो। एक ही चीज बट एक मेरे और एक मेरी और रिक्वेस्ट है, मसला हल होना चाहिए राजनीति में। बिल्कुल 100%। एक और आज के बाद वहां कोई भी जाए आपके घर में, मैं 6 घंटे बैठा था, किसी ने पानी नहीं पूछा यार। आप बिना बताए सिद्धू साहब, एक मिनट सुनो, सुनो मेरी बात। सिद्धू साहब ने अरे यार मैं बुलाऊंगा आपको, आप जब मैं दिल्ली में हूँ ना, पता कर लिया सुनिए। आप नहीं है कोई, अगर आप आ जाए घर में, जब कोई बंदा आपका आ जाए, कोई आपका संदेश लेकर आ जाए, तो बोले केजरीवाल साहब ने भेजा। मेरी घरवाली ना कोई बंदा, जब कोई माली चौकीदार कोई चाय तो पिलाए, मैं 6 घंटे बैठा रहा। थैंक यू सो मच, इतनी देर बैठाया मैं तो पहले बार। और भगवान की सर आपके लिए 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ। 1 घंटे में मैंने कहा था सबके सामने कैमरा लेके आऊंगा। अब यार कैमरे आप लेके हमने लेके नहीं लेकिन मेरे कुछ मुद्दे जी रहे सब। मैं अपनी बसों के लिए बात कर रहा हूँ। मैंने आपको 13 चिट्ठियां लिखी अलग समय समय, लेकिन एक भी चिट्ठी का जवाब नहीं है। सो व्हाट इज हैपनिंग? इंडो कैनेडियन एक बस है जो केवल बादल ऑपरेट करते हैं, और व्हाट दे आर चार्जिंग टू NRI पीपल 3000 पर सीट। तो अगर 52 सीट में अगर देखें तो 52 सीट कैलकुलेट करेंगे तो 1.5 लाख रुपया अप टू द एयरपोर्ट। दिल्ली सरकार कर ले 1200 रुपये में हमारी बस, जाने की पंजाब सरकार की बस दिल्ली एयरपोर्ट तक लेके जा सकती है, जहाँ दिल्ली सरकार की बस भी वहां से चले पंजाब एनी टाइम। आई एम बीइंग ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, मुझे जो भी फॉर्मेलिटी करनी होगी वो कर लेंगे। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है, जो ये बड़े मगरमच्छ हैं, जो 87 लाख रुपए, अगर 2.5 × 35 करें 87 लाख रुपए, इनको साहब एक दिन की कमाई है, और वो दैट इज टोटली इलीगल। सो माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि हम जा तो आप चलाइए बस दिल्ली से, जहाँ हम तैयार हैं इसमें आप हमारा सहयोग कीजिए। मैं परिवार को लेकर आप इतना बड़ा न्योता देखो तो 100% आई विल कम टू यू, प्लीज कम, आई विल लव टू कम टू यू। तो दोनों चीजें, तो अभी सुबह जब आप आ रहे थे मैंने बात की थी उनसे, जी वो बता रहे हैं जी जब जब हमारी नज़र में ये बादलों की बसें आती है, पिछले 1-2 महीने में 115 बसें इन्होंने बाउंड करी हैं, मतलब अलग अलग स्टेट से आ रही हैं। नहीं सर, फॉर योर इन्होंने टोटल 115 बसें इम्पाउंड की है, 230 का इन्होंने चालान किया है। बट यू आर वेरी राइट, आप और हम मिलके और हम वहाँ पे बसें चलाते हैं, राइट सर, नो प्रॉब्लम। बट द थिंग इज कि सर उनकी बसें 35 ही आती हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई थिंक ऑफिशियल नीचे माइट बी नॉट इन नॉलेज। नहीं, उन्होंने टोटल राजस्थान से भी आ रही हैं कुछ बसें, बल्कि बादल की बसें तो टोटल 35 ही आती हैं। टोटल बसें जो हैं टोटल उन्होंने इम्पाउंड जो किए हैं अलग अलग, वो 115 बसें इम्पाउंड किए हैं। ठीक है सर, लेकिन नीचे सर आपको देखने की जरूरत है, मेरे को लगता है हम एयरपोर्ट में चलेंगे ना, पक्का चलेगा। अब नाउ इट्स योर प्रॉमिस, नाउ यू हैव टू रन द शो। एक ही चीज बट एक मेरे और एक मेरी और रिक्वेस्ट है, मसला हल होना चाहिए राजनीति में। बिल्कुल 100%। एक और आज के बाद वहां कोई भी जाए आपके घर में, मैं 6 घंटे बैठा था, किसी ने पानी नहीं पूछा यार। आप बिना बताए एक मिनट सुनो, सुनो मेरी बात, बुरा मत मानना, बुरा मत। सिद्धू साहब ने वो भी तब गए जब मैं पंजाब में था, अरे यार मैं बुलाऊंगा आपको, आप जब मैं दिल्ली में हूँ ना, पता कर लिया मेरे दफ्तर में फोन करके। सुनिए दूसरी, आप नहीं है कोई, अगर आप आ जाए घर में, जब कोई बंदा आपका आ जाए, कोई आपका संदेश लेकर आ जाए, तो बोले केजरीवाल साहब ने भेजा। मेरी घरवाली ना कोई बंदा, जब कोई माली चौकीदार कोई चाय तो पिलाए, मैं 6 घंटे बैठा रहा। थैंक यू सो मच, इतनी देर बैठाया मैं तो पहले बार। और भगवान की सर आपके लिए 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ। 1 घंटे में मैंने कहा था सबके सामने कैमरा लेके आऊंगा, अब यार कैमरे आप लेके बैठे हो, हमने लेके नहीं। अलीशा बेगम एक औरत दा दुख एक औरत ही समझ सकती है, रूहानी ते काली शक्तियां दी मालकन, दुनिया दा सब तो चमत्कारी इल्म मेरे कोल है, मेरे कीते नू कोई कट नहीं सकदा। काला इल्म करना आते तोड़ना हर एक दे बस दी गल नहीं, परेशानी जिवें लव मैरिज, पति पत्नी च झगड़ा, सौतन दुश्मन तो छुटकारा, तलाक केस, बुरे सपने, विदेश यात्रा, बुरी संगत जां नशा छुड़ाना, बीमारी च दवा ना लगना, वशीकरण इक सच्चाई है, वशीकरण करवाओ, मन चाह प्यार पाओ। की तुहाडी किस्मत च लॉटरी दा योग है जां नहीं, सच्चाई जानो, लॉटरी नंबर पाओ, भावें 649 होवे जां लोटो मैक्स, 11 घंटे च करवाओ हर परेशानी दा हल घर बैठे, अष्टाम पेपर ते लिख के लवो कम दी गारंटी, जा कहने तो बाहर है तुरंत संपर्क करो, तो हड्डी हर गल गुप्त रखी जाएगी। अलीशा बेगम।
वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट सारियां थामा तो निराश अते मायूस होने वाले एक बार फोन जरूर करो जिवे चाहोगे ओवे होएगा इट्स माय प्रॉमिस इमीडिएटली रिजल्ट ओपन चैलेंज इल्मा दे माहिर ए टू जेड समस्यावां दा फोन ते घर बैठे करवाओ हल वशीकरण अते मुठकरनी लव मैरिज सौतन अते दुश्मन तो छुटकारा पक्का काम पक्का हल 101% गारंटी अष्टाम पेपर समेत सब तो पहला काम करन दा वादा नौकरी प्रमोशन कारोबार च परेशानी घर च झगड़ा कोर्ट केस तलाक प्रॉपर्टी झगड़ा पति पत्नी चनपन जा दुटोना मनमोणी वशीकरण करवाओ जा तोड़वाओ रुसे नु मनाओ हुणे कॉल करो बाबा सलीम खान 98199 37467।